तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो आज हम लोग जो है ऑल इंडेक्स एक्सपायरी स्ट्रेटजी थी, जो कि टेलीग्राम चैनल मेंबर सीपी ने हमें रिक्वेस्ट की थी, वो उसका कोड मैं आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अभी इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ, बिकॉज अभी सबको पता है कि सीपी ने उनको रिक्वेस्ट किया था। सो अभी इसका मैं नाम कर देता हूँ सीपी ऑल इंडेक्स एक्सपायरी स्ट्रेटजी, राइट। एंड यहाँ से अपडेट दे देता हूँ। ओके, सो अभी इसका नाम चेंज हो गया है। इसका आपको मैंने ट्रेड कोड एंड स्ट्रेटेजिक लिंक दोनों ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये वाला जो वीडियो था, ये वीडियो एंड ये दोनों के डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका ट्रेड कोड एंड लिंक दोनों है। ये जो वीडियो था उसको आप स्ट्रेटेजी एक्सप्लेनेशन के वीडियो के तौर पर भी ले सकते हो, राइट। क्योंकि इसके अंदर मैंने स्ट्रेटेजी ऑलरेडी समझाया हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा और इसको समरी कर दूंगा, लेकिन इसके अंदर मेनली सारा का सारा ऑलरेडी समझाया हुआ है मैंने। एंड इसके अंदर मैंने कोड दिया हुआ है। हालांकि कोड जो है वो एग्जैक्ट सभी इंडेक्स को कवर करने वाला कोड नहीं है, मैंने इसके अंदर वो नहीं दिखा। लेकिन आपको मैंने एक इंडेक्स का एग्जांपल लेके, यानी कि बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके मैंने आपको कल दिखा दिया था कि आप किस तरह से इसको कोड कर सकते हो एग्जैक्टली, राइट। मैंने एग्जैक्टली इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट मेथड से कोड किया है। एंड अगर आपको भी वो कोड देखना है, थोड़ा शॉर्टकट मेथड जिसमें आप ऑल सारे के सारे इंडेक्स को कैसे एक स्ट्रेटजी में कवर कर सकते हो, सो यहाँ पर जैसे ही मेरे 1000 व्यूज आते हैं ओनली कोड वीडियो में, मैं आपको उसका भी कोड दिखाने की ट्राई करूंगा, राइट। सो अगर आप लोगों को जानने की इच्छा है तो फिर आप यहाँ पर व्यूज दीजिए, वरना ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने शेयर कोड एंड लिंक तो दिया ही हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एक बार और ब्रीफ में आपको मैं स्ट्रेटजी बता देता हूँ, राइट। आपको 9:30 को एवरी डे स्टार्ट करना है, देखना है कि आज की इंडेक्स में एक्सपायरी डे है, उसी इंडेक्स का आपको स्ट्रेटल सेल करना है। फिर क्या करना है कि फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आपका होगा उस टाइम पे आपको जो भी लॉस मेकिंग लेग होगा उसको एग्जिट करना है। एंड आपका जो प्रीमियम है वो प्रॉफिट मैचिंग जो भी लेग है उसके साथ आपको सेम प्रीमियम अगेन सेल करना है। एंड जो सेकंड एडजस्टमेंट है उसके अंदर आपको क्या करना है कि अभी जिसके अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा था वो लेग को आपको एग्जिट करना है। एंड अभी जो लॉस मेकिंग लेग चल रहा है उसका प्रीमियम आपको मैच करके एक दूसरा ऑप्शन सेल करना है, राइट। एंड अल्टरनेटिवली ये दोनों एडजस्टमेंट करते रहना है। उन्होंने कोई स्टॉप लॉस या टारगेट इसमें अभी नहीं बताया है, उन्होंने बाद में मुझे बताया था, उसका एक वर्जन 2 भी मैं उसका वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिसके अंदर उन्होंने एक स्टॉप लॉस भी दिखाया है एंड उन्होंने एक टारगेट भी रिक्वेस्ट किया है। टारगेट नहीं लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप बोल सकते हो, सो वो भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। एंड उसका मैं वीडियो में अभी बनाने वाला हूँ आगे के दिनों में, राइट। अभी ये बेसिक जो उन्होंने फर्स्ट मुझे रिक्वेस्ट की थी उसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा आपको अगर जानना है तो फिर आप वो जो फर्स्ट वीडियो था वो आप देख लेना, मैंने अभी जो आपको बताया यूट्यूब चैनल पर। तो कल मैंने ये आपको कोड दिखाया था बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल लेके, एक बार मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, काफ़ी सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा नया था सो मैंने सोचा इसका वीडियो अपलोड कर दिया जाए। सो ये इनिशियलाइज वेरिएबल है, वहाँ पर मैंने एक बी नाम का एक रन टाइम वेरिएबल स्टोर कर लिया, राइट। एंड उसके अंदर मैंने जो बैंक निफ्टी का स्पॉट है वो स्टोर कर लिया। सो आगे से क्या होगा, कहीं पर भी अगर गेट रन टाइम या फिर गेट रन टाइम नंबर इसके अंदर मैं ट्रेडट्रॉन में बी लिखूंगा, सो वो मुझे ट्रेडट्रॉन बैंक निफ्टी का स्पॉट का वैल्यू फेच करके देगा, राइट। इसका यूज ये होता है ताकि मुझे हर बारी NFO निफ्टी बैंक ऐसा लिखना ना पड़े स्ट्रेटजी में। आगे चलते हैं। सो ये हमारी एंट्री कंडीशन है सेट के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको 9:30 के बाद ट्रेड लेना है एंड आपको 3:25 के पहले ट्रेड लेना है, राइट। 3:25 के बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना, इसलिए टाइम बेस्ड कंडीशन आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पर पोजिशन डिटेल में ऑल काउंट इक्वल टू जीरो, यानी कि अभी डे का फर्स्ट ट्रेड होना चाहिए, ये आपकी एंट्री कंडीशन कब ट्रू होनी चाहिए, आज के दिन का ये फर्स्ट ट्रेड है तभी ये एंट्री कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, राइट। सो इसका मतलब ये होता है एंड टुडे इज इक्वल टू करंट वीक एक्सपायरी निफ्टी बैंक। सो ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है ज़्यादा। सो ये आपका बेसिक एंट्री कंडीशन रेडी हो गया। जैसे ही आपका एंट्री कंडीशन रेडी होता है, आप पोजिशन बिल्डर में जो भी इंस्ट्रूमेंट डालोगे बाय सेल के लिए, वो उसको ट्रेडट्रॉन बाय या सेल कर देगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट डाला है, बैंक निफ्टी का कॉल नॉर्मल, यहाँ पे MIS भी आप डाल सकते हो आपके ऊपर है, करंट वीक एक्सपायरी वाला कॉल मुझे सेल करना है एंड वन लॉट सेल करना है। सो यहाँ से मैंने सेल दिया है, राइट। एंड आपको स्ट्राइक कौन सी सेल करनी है, सो उसके लिए आपको यहाँ पे स्ट्राइक पे FX सिलेक्ट करना होता है एंड उसके बाद FX पे जाके आप यहाँ पर अपनी स्ट्राइक जो भी आपको जो स्ट्राइक सेल करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो मैंने ATM स्ट्राइक सेल करने का इसके अंदर ऑर्डर डाला है एंड ATM शुड बी बेस्ड ऑन स्पॉट वैल्यू, राइट। सिंपल, इसी तरीके से सेम वे मैंने पुट के लिए भी वो डाल दिया है, राइट। जैसे ही मेरा एंट्री फुलफिल होता है एंड मैं दोनों स्ट्राइक्स को सेल कर देता हूँ,
सेट वन के एंट्री कंडीशन से मैंने यहाँ पर रन टाइम्स कुछ जनरेट कर लिए हैं। ये जो रन टाइम्स है वो मुझे आगे जाके काफ़ी यूजफुल होने वाला है। किस तरीके से, चलिए बताता हूँ। सो यहाँ पर मैंने दो रन टाइम्स ऑल इनपुट के लिए सी ई एन पी ए नाम के जनरेट किए हैं, एंड उसके अंदर मैंने वैल्यूज क्या स्टोर किया है, जो लेग हमने सेल किए हैं उस लेग की जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमने इस रन टाइम में जनरेट किया है, राइट, स्टोर किया है, ताकि क्या है कि आगे जाके स्ट्रेटजी में कहीं पे भी मुझे ऐसा ट्रेंट्रॉन को बताना हो कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने सेट वन के एंट्री कंडीशन में से सेल किया था वो इंस्ट्रूमेंट की इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए, राइट। सो उसके लिए मुझे ये पूरा का पूरा ना लिखना पड़े, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम एंट्री इंस्ट्रूमेंट निफ्टी बैंक 111, या तो मुझे ये सारा का सारा लिखना पड़ता, राइट। एंड अभी बिकॉज मैंने रन टाइम में स्टोर कर लिया है वो इंस्ट्रूमेंट को, तो अभी सिर्फ मुझे गेट रन टाइम जो होता है, राइट, उसके बॉक्स के अंदर मुझे सिर्फ सी ई लिखना है। जैसे ही मैं सी ई लिखता हूँ, ट्रेडरन को पता चल जाएगा कि मैं ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम एंट्री इंस्ट्रूमेंट निफ्टी बैंक 111 की बात कर रहा हूँ। सो वो मुझे उसका जो भी वैल्यू होगा उस टाइम पे वो मुझे फेच करके देगा, राइट। सो इसलिए मैंने यहाँ पर ये रन टाइम सेम वे मैंने पुट के लिए, अगर मुझे पूरा का पूरा ना लिखना हो निफ्टी बैंक 112 एंट्री इंस्ट्रूमेंट, सो मैं उसको स्टोर कर लिया पी ई करके, राइट। सेम वे में मैंने जो भी कॉल इनपुट सेल किया है वो दोनों ऑप्शन की जो स्ट्राइक प्राइस है वो मैंने सी ई एस एंड पी ई एस ऐसे रन टाइम में स्टोर कर लिया है, ताकि आगे जाके कहीं पे भी स्ट्रेटेजी में मैं सी ई एस या पी ई एस लिखूँ सो मुझे ट्रेट्रॉन एंट्री निफ्टी बैंक 111 की स्ट्राइक या फिर 112 की स्ट्राइक का वैल्यू मुझे फेच करके देगा, राइट। इसका कोडिंग तो काफ़ी सिंपल है, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम में आपको ये सारा का सारा डालना है। अभी इसके अंदर हम लोग बेसिक की बात नहीं करते, ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस में ये सब बेसिक काफ़ी सिखाया हुआ है। सो सिर्फ एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूँ सैम्पल के लिए, ओनली कोड वीडियो जो कल मैंने अपलोड किया था इसके अंदर ऑलरेडी मैंने ये सब दिखाया हुआ है, राइट, एंट्री स्ट्राइक निफ्टी बैंक 111 ये कॉल के लिए है। सो इसको मैंने बेसिकली स्टोर कर लिया। रन टाइम का मतलब क्या है, ये वैल्यूज एक बार स्टोर हो गए, अभी जब तक आपको रीसेट नहीं करोगे ये वैल्यूज को, या फिर आपकी स्ट्रेटजी यूनिवर्सल एग्जिट में से एग्जिट नहीं होती, ये जो रन टाइम्स है वो ऐसे ही स्टोर रहेंगे। इसके साथ साथ ये एक मेन जो इस स्ट्रेटजी की यूएसपी आप बोल सकते हो वो ये है कि एक मैंने और एक रन टाइम जनरेट कर लिया एडजस्टमेंट के लिए ADJ करके, एंड इसको मैंने दे दिया नंबर 1, राइट। अभी ये जो है वो ऐसे ही हमने फ्रॉम एयर आप बोल सकते हो एक रन टाइम जनरेट किया है। अभी इसका ADJ करके कोई स्ट्रेटजी के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन बिकॉज हमें इसका यूज करके अल्टरनेट एडजस्टमेंट करना है एडजस्टमेंट 1 और 2 के बीच में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक नया रन टाइम जनरेट किया है। आप भी चाहो तो कोई भी रन टाइम ऐसे जनरेट कर सकते हो आप कोई भी नाम देकर। सो जैसे ही आपका सेट वन का एंट्री खत्म होता है आपका एडजस्टमेंट का वैल्यू क्या है अभी 1, राइट, समझ में आ गया आपको। सो ये हमने बात कर ली, जैसे ही आपका एंट्री खत्म होता है ट्रेट्रॉन के अंदर क्या क्या चीजें हुई, आपने दो ऑप्शन सेल किए एंड आपने 5 रन टाइम्स स्टोर कर लिए, राइट। अभी आगे जाते हैं। सो अभी सपोज आपने जो आपका सीई है आपने 100 रुपीज में सेल किया सीई को, एंड पीई भी आपने 100 रुपीज पे सेल किया, सो आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट था आपको लॉस वाला लेग एग्जिट करना है जब एक जो लेग होगा वो दूसरे लेग से हाफ हो जाएगा, राइट, एंड आपको एक दूसरा लेग सेल करना है जिसका जो प्रीमियम होगा वो प्रॉफिटेबल लेग जितना होगा। सो जस्ट फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका कॉल का प्राइस हो गया 75 एंड पुट का प्राइस हो गया 150, एंड आपको अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट करना है, सो आप कौन सा वाला बाय करोगे एंड कौन सा वाला अगेन सेल करोगे, लॉस वाला जो लेग है आपको बुक कर लेना है, राइट, उसके अंदर लॉस बुक करना है। तो अभी आपको पुट लॉस दे रहा होगा तो आपको पुट को एग्जिट करना है, एंड आपको अगेन एक पुट सेल करना है जिसका प्रीमियम जो आपका प्रॉफिटेबल लेग है यानी कि कॉल का लेग उसके अराउंड वाला 75 वाला हो, राइट। सो बेसिकली आपने जो ट्रायंगल की जो विंग्स थी जो ब्रेक इवन था उसको और इंक्रीज कर दिया, आप थोड़ा और दूर चले गए, थोड़ा और फार अवे ट्रायंगल आपने क्रिएट कर दिया आफ्टर फर्स्ट एडजस्टमेंट, राइट। सो चलिए ये कोड के अंदर देखते हैं हम लोग। सो रिपेयर कंटिन्यूस यूज किया है मैंने ताकि वो जो एडजस्टमेंट है वो एवरी टाइम होता रहे। रिपेयर वंस क्या करता है कि सिर्फ वन टाइम आप उसको यूज कर सकते हो जब तक कि आपका एग्जिट कंडीशन फुलफिल ना हो, राइट। सो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, ऑल क्वांटिटी ऑफ निफ्टी बैंक इक्वल टू लॉट साइज, बैंक निफ्टी का भी 15 है, इनटू -2 एंड इनटू मल्टीप्लायर। इसका क्या मतलब हुआ कि अभी जो ट्रेड के अंदर पोजीशन है टोटल निफ्टी बैंक की वो क्वांटिटी होनी चाहिए -30 पर 1x मल्टीप्लायर,
अगर 2x मल्टीप्लायर है तो आपने यहाँ पर इंटू मल्टीप्लायर यूज किया है, सो इसको वो ऑटोमेटिकली -60 कंसिडर करेगा। अगर आप 10x मल्टीप्लायर पर वर्क कर रहे हो सो वो ऑटोमेटिकली इसको -150 कंसिडर करेगा, राइट। सो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन हो गया कि अभी दोनों लेग प्रेजेंट होने चाहिए बेसिकली, राइट। उसके साथ साथ मैंने दूसरा क्या यूज किया है, ये जो हमने एक रन टाइम जनरेट किया था ADJ करके एंट्री कंडीशन में, उसका वैल्यू अभी 1 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, अभी ये फर्स्ट जो आपका एडजस्टमेंट है वो होना चाहिए, राइट। एक वो है कंडीशन, एंड अभी जो कॉल की LTP है वो पुट की LTP से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा, पुट की LTP इंटू 2, यानी कि कॉल का प्राइस सपोज 150 हो गया से 100 से इज इक्वल टू, अगर पुट का प्राइस 75 है इंटू 2, राइट। सो कॉल का प्राइस पुट के प्राइस से डबल से थोड़ा सा ज्यादा या फिर उतना जितना है उनसे ज्यादा होना चाहिए अभी। सो बेसिकली कॉल अभी लॉस मेकिंग लेग है दोनों में से, राइट, एंड ऑलरेडी उसका प्राइस पुट से डबल हो गया है, एंड अभी ये आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट है। सो जैसे कि आप लोग जानते हो फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर आपको लॉस वाला जो लेग है उसको एग्जिट करना है, राइट। सो ये कॉल का एग्जिट की कंडीशन ये सारी की सारी है, जैसे ही ये फुलफिल होता है आप इसको एग्जिट करोगे, ऑब्वियसली कॉल को एग्जिट करोगे, राइट। सो मैंने यहाँ पर वही डाला है NFO कॉल निफ्टी बैंक, आपने जो भी प्रोडक्ट यूज किया था MIS या नॉर्मल वो करंट वीक एक्सपायरी वाला, 1 लॉट आपको बाय कर लेना है, राइट, जो आपने सेल किया था, एंड आपको यहाँ पर अभी डालना है गेट रन टाइम के अंदर CES। CES क्या है, आपकी जो कॉल की स्ट्राइक थी वो है, जो आपने एंट्री करने के बाद जो रन टाइम स्टोर कर लिया था, राइट। तो वो उसी कॉल की स्ट्राइक को एग्जिट करेगा। आई होप ये तो काफ़ी इजी है। अभी जैसे ही ये एग्जिट होता है, ये जो आपने कंडीशन डाली थी, राइट, कि अभी जो बैंक निफ्टी की टोटल क्वांटिटी है वो -30 होनी चाहिए, उसमें से कॉल अभी एग्जिट हो गया, सो अभी सिर्फ पुट की क्वांटिटी बचेगी, तो अभी ये जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी, एंड ये रिपेयर कंटिन्यूस वर्क नहीं करेगा। काफ़ी लोगों को जो लूपिंग का इश्यू आता है, सो ये सारी की सारी चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें समझते जाओगे तो आप रिपेयर कंटिन्यूस को भी ईजिली यूज़ कर सकोगे अपनी और स्ट्रेटजीज में, राइट। बिकॉज अभी जैसे ही ये एग्जिट करता है, अभी टोटल क्वांटिटी बैंक निफ्टी की कितनी है, सिर्फ एक पुट ही ट्रेड में होगा, सो -15 ही होगी क्वांटिटी, सो -30 वाला जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा, राइट। एंड यहाँ पर जैसे ही आपका ये फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है, मैंने सेम जो रन टाइम था ADJ उसको मैंने वैल्यू दे दिया 2 का, राइट। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नंबर 2 सेम, ये हमने कॉल के लिए कंडीशन बनाई इसी तरह से, पुट के लिए भी ये वाली थर्ड कंडीशन है सेम, जो हमने कॉल के लिए बनाई वही है कि अभी दोनों ऑप्शंस प्रेजेंट है, यानी कि लॉट साइज इनटू -2 बिकॉज हमने सेल किया है, राइट, इनटू मल्टीप्लायर, ये आपको ऐड करना चाहिए एवरी जगह जहाँ पर इसका यूज है। अभी एडजस्टमेंट का वैल्यू 1 है, एंड अभी पुट का प्राइस है वो कॉल से डबल है, यानी कि पुट है वो आपका लॉस मेकिंग लेग है, राइट। सो आपको पुट को एग्जिट करना है, एंड LTP के अंदर आपको यूज करना है गेट रन टाइम, एंड गेट रन टाइम के अंदर आपको जो भी आपने पुट का इंस्ट्रूमेंट हमने सेव किया था आपको अगर याद है तो एंट्री कंडीशन में रन टाइम में उसी को यहाँ पर यूज करना है, राइट। तो जो भी अभी पुट ट्रेड में चल रहा होगा उसका प्राइस अगर कॉल के प्राइस से डबल हो गया है सो आपको पुट को एग्जिट करना है, अगर एडजस्टमेंट का वैल्यू 1 है तो, एंड अगर दोनों लेग्स प्रेजेंट है तो, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया। जैसे ही कॉल या पुट दोनों में से किसी का भी फर्स्ट एडजस्टमेंट होता है, आपको एडजस्टमेंट का वैल्यू सीधा कर देना है नंबर 2, बेसिकली वैल्यू को चेंज कर देना है, एंड तो ये रिपेयर कंटिन्यूस 1 एंड रिपेयर कंटिन्यूस 3 दोनों आपने जो फर्स्ट एडजस्टमेंट था कि जिसके अंदर आप लॉस मेकिंग लेग जो है उसको एग्जिट कर रहे हो उसके लिए हमने यूज किया है, राइट। सो अगर आप उसको एग्जिट कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट वाला लेग था उसका अभी जो प्रीमियम चल रहा है उसी के आसपास वाला प्रीमियम आपको सेम कॉल या पुट सेल भी करना पड़ेगा जिसको आपने एग्जिट किया है। सो सपोज आपने कॉल एग्जिट किया, राइट, वो डबल हो गया था सो लॉस वाला था तो उसको आपने एग्जिट कर दिया, सो अभी आपको कॉल को वापस सेल करना है, एंड कॉल आप कौन सा वाला सेल करोगे, राइट। सो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक और रिपेयर कंटिन्यूस ही यूज किया है जहां पर हम लोग एक ऑप्शन सेल कर रहे हैं, राइट। बाकी का सब सारी चीज सेम है, सिर्फ स्ट्राइक में डिफरेंस आएगा कि अभी आपको कौन सा वाला कॉल सेल करना है। सो उसके लिए मैंने यूज किया है फाइंड स्ट्राइक कीवर्ड को, पैट्रॉन के अंदर है वो, एंड फिर आपको अंडरलाइन जो आपकी है अभी निफ्टी बैंक वो आपने सेलेक्ट की है, यहाँ पर एक्सपायरी जो आपको अभी तो हम लोग करंट वीक में वर्क कर रहे हैं तो करंट वीक एक्सपायरी, एंड आपको LTP के बेस पे
स्ट्राइक फाइंड करना है। सो यहाँ पर मैंने LTP सिलेक्ट किया, वैल्यू के अंदर भी मैंने LTP सिलेक्ट किया, राइट। एंड अभी आपको क्या सेल करना है, कॉल सेल करना है। सो यहाँ पर आपको वो सिलेक्ट करना है ऑप्शन टाइप। सो मुझे कॉल सेल करना है इसलिए मैंने कॉल। यहाँ पर आपने एनी यूज किया है, इसका मतलब क्या है कि सपोज अभी जो आपका प्रॉफिटेबल लेग है पुट, उसका प्राइस 100 है। सो उसके आसपास वाला कोई भी, चाहे वो 99 वाला हो या फिर 101 वाला हो, दोनों में से कोई भी हो, कॉल सेल कर देगा, राइट। जिस भी कॉल का प्राइस 99 भी हो या 100 भी हो। लेकिन सपोज आप यहाँ पर ग्रेटर सिलेक्ट करते हो, सो वो क्या करेगा कि अभी सपोज पुट का प्राइस चल रहा है 100, एंड अगर आपने ग्रेटर सिलेक्ट किया, सो वो 100 के ऊपर का प्राइस का कोई भी कॉल हो, नियरेस्ट कॉल, ठीक है, चाहे वो 110 हो, 112 हो, उसको वो सेल करेगा, भले ही दूसरा एक कॉल उसको 99 में भी मिल रहा था नियरेस्ट, 100 के नियरेस्ट। लेकिन आपने बिकॉज यहाँ पर ग्रेटर सिलेक्ट किया है, सो 100 के ऊपर वाला कोई कॉल सेल करेगा। सेम वे में अगर आप यहाँ पर लेसर सिलेक्ट करते हो, सो वो 100 के नीचे वाला कोई भी हो, चाहे वो 90 रुपीज़ पे मिल रहा हो, 80 रुपीज़ पे मिल रहा हो, उसको सेल करने की ट्राई करेगा उस कॉल को। फिर भले ही 100 के ऊपर उसको 101 में भी एक कॉल मिल रहा था, लेकिन आपने यहाँ पर लेसर सिलेक्ट किया है, तो वो 100 के नीचे वाला जो भी पुट का प्राइस चल रहा है उसके नीचे का प्रीमियम ही वो ढूंढने की ट्राई करेगा। ऐसी स्ट्राइक ढूंढने की ट्राई करेगा जहां पर कॉल का प्राइस जो भी अभी पुट का प्राइस चल रहा है उसके नीचे चल रहा हो, राइट। बट मैंने तो अभी कोड के अंदर एनी यूज किया है ताकि वो 100 के जो भी नियरेस्ट प्रीमियम है उसको वो सेल कर सके। आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। एंड फिर वो जो LTP आपने डाला था उसके अंदर आपको गेट रन टाइम सिलेक्ट करना है, एंड उसके अंदर सिंपली आपको लिख देना है PE, यानी कि जो हमने रन टाइम जनरेट किया था एंट्री कंडीशन 1 में, सेट 1 की, राइट। सो उसी सेम अभी जो पुट का वैल्यू चल रहा है वही LTP वाला कॉल, उसके प्रीमियम के आसपास वाला कॉल मुझे सेल करना है। ये आपने ट्रेडर को बता दिया एंड वो आपने सेल कर दिया, राइट। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे अभी तक स्ट्रेटजी में? आपका एक फर्स्ट एडजस्टमेंट था तो आपने पुट को एग्जिट कर दिया, राइट। वो हमने जो रिपेयर कंटिन्यूस फर्स्ट में जो देखा एंड थर्ड में जो देखा, तो अभी आप पुट को से एग्जिट कर रहे हो, तो आपने किस रिपेयर कंटिन्यूस में से एग्जिट किया होगा? जो आपका RC131 था, राइट। जो हमने रिपेयर कंटिन्यूस पहले देखा वो कॉल एग्जिट के लिए था, दूसरा रिपेयर कंटिन्यूस दूसरा कॉल सेल करने के लिए था, तीसरा रिपेयर कंटिन्यूस पुट एग्जिट करने के लिए था, अगर फर्स्ट एडजस्टमेंट है तो अभी, राइट। सो आपने RC131 में से ये पुट एग्जिट किया होता। एंड जो फोर्थ रिपेयर कंटिन्यूस है वो, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, जैसे मैंने कॉल को सेल किया उसी तरीके से जो फोर्थ रिपेयर कंटिन्यूस था वो मैंने कोड किया है नया पुट सेल करने के लिए, राइट। सो RC131 में से आपने इसको एग्जिट किया जो पुराना वाला पुट था वो, एंड RC141 में से आप एक नया पुट सेल करोगे जिसका प्राइस अभी चल रहा होगा कॉल के जितना, राइट। तो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है, एंड अभी जैसे ही आपने ये एग्जिट किया था आपका जो एडजस्टमेंट का वैल्यू था वो अभी हो गया 2, राइट। जो आपने ADJ करके जो रन टाइम जनरेट किया था उसका वैल्यू आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद हो गया है 2, जो कि हमने रन टाइम में आपको दिखाया, राइट। यहाँ पर आप कॉल बाय कर रहे हो एंड एडजस्टमेंट का वैल्यू 2 है। अगर आपने पुट को भी एग्जिट किया है फर्स्ट टाइम पे, सो RC131 में से आपका एडजस्टमेंट का वैल्यू 2 हो गया। फिर आप नया जो कॉल सेल कर रहे हो उसके लिए आपने 1-to-1 RC यूज किया है। तो यहाँ तक हमने एडजस्टमेंट किए है, अभी आपको एक और रन टाइम जनरेट करना पड़ेगा, राइट। बिकॉज अभी आपका जो CE एंड CES का वैल्यू जो था, जो कि हमने एंट्री के अंदर स्टोर किया था फर्स्ट टाइम पे, वो अभी चेंज हो गया होगा बिकॉज आपका जो सेलिंग वाला लेग है वो चेंज हो गया है, राइट। अभी आपने एक दूसरा लेग एक सेल कर दिया है, ये वाला 75 प्रीमियम वाला एक नया पुट सेल किया है। सो अभी आपको PE का वैल्यू जो है वो यही स्ट्राइक चाहिए, एंड स्ट्राइक का वैल्यू भी स्टोर करना पड़ेगा दोनों नए तरीके से। सो वो मैंने बेसिकली यहाँ पर किया है, बिकॉज आप नया कॉल सेल कर रहे हो, सो मैंने यहाँ पर CE एंड CES का वैल्यू नया जनरेट कर लिया है, विच इज ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम में अभी वो हमने एंट्री में से सेल किया था उस टाइम पे, यहाँ पर एंट्री आ रहा था, अभी आएगा रिपेयर कंटिन्यूस। कौन सा वाला रिपेयर कंटिन्यूस है? सेकंड रिपेयर कंटिन्यूस है, राइट। सो 1-to-1 मैंने CE एक स्टोर कर लिया एंड उसकी स्ट्राइक भी मैंने स्टोर कर ली, राइट। यहाँ पे जाके ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट में स्ट्राइक, एंड कौन सा वाला 1-to-1, कौन सी कंडीशन है रिपेयर कंटिन्यूस की, वेरी इजी, राइट। सेम वे में पुट के लिए भी सेम होगा। अगर अभी सिर्फ एक क्वांटिटी प्रेजेंट है ट्रेड के अंदर, राइट, वन लॉट, एंड पुट की क्वांटिटी 0 है, नेट क्वांटिटी यानी कि अभी प्रेजेंट जो भी एक्टिव क्वांटिटी प्रेजेंट है ट्रेड के अंदर, सो पुट की क्वांटिटी एक्टिवली 0 है, कोई भी पुट अभी प्रेजेंट नहीं, बिकॉज अभी हमने पुट एग्जिट किया है जो एंट्री में से हमने एंटर किया था, राइट। एंड अभी कॉल की क्वांटिटी नेट क्वांटिटी वो 0 नहीं है, यानी कि कॉल की क्वांटिटी 0 नहीं है, -15 है, लेकिन ये पुट को हमने एग्जिट कर दिया था
सो अभी पुट की नेट क्वांटिटी हो गई जीरो बिकॉज हमने एंट्री में से माइनस 15 पुट सेल किया था, एग्जिट करते वक्त 15 क्वांटिटी बाय कर ली, सो अभी नेट क्वांटिटी हो गई जीरो। ऑल अभी ऐसे ही खड़ा है ट्रेड में, राइट? सो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, पुट की क्वांटिटी जीरो है, कॉल की क्वांटिटी जीरो नहीं है, एंड अभी टोटल क्वांटिटी निफ्टी बैंक की ऑल क्वांटिटी वो भी लॉट साइज इंटू माइनस वन यानी कि माइनस 15 है इंटू मल्टीप्लायर, अगर 2x मल्टीप्लायर है तो माइनस 30 इस तरीके से। सो ये आपकी एंट्री की कंडीशन हो गई, तो एडजस्टमेंट के बाद आप कोई नया लेग सेल करने वाले हो वो कंडीशन हो गई, राइट? एंड ये तो मैंने आपको समझा दिया कि आपको जो अपोजिट लेग है उसके हिसाब से, राइट? यानी कि अभी आपको पुट सेल करना है, लेकिन कौन सा वाला पुट सेल करना है जिसकी LTP जो कॉल अभी चल रहा है उसने उसके जितनी हो, राइट, उसके आसपास वाली हो, वो वाला पुट आपको सेल करना है। सो ये चार रिपेयर कंटिन्यूस हमने देख लिया, अभी ये फिफ्थ एंड सिक्स रिपेयर कंटिन्यूस है, ये खत्म होते ही हमारी स्ट्रेटजी कंप्लीट, राइट? आपको 15 से 20 मिनट ही लगेंगे ये स्ट्रेटजी बनाने को एक इंडेक्स के लिए इस मेथड से। दूसरी जो मैंने मेथड बताई वो आपको टोटल टाइम आधे घंटे में आए तो आपका सारे के सारे इंडेक्स कवर हो जाएंगे, लेकिन अभी इस मेथड से भी आप 15 से 20 मिनट में एक इंडेक्स ऐड कर सकते हो इजीली आराम से, राइट? सो अभी जो ये रिपेयर कंटिन्यूस है वो क्या है कि जब आपका एक एडजस्टमेंट हो गया है एंड अभी आपका एडजस्टमेंट का वैल्यू 2 है, बाकी सारी की सारी चीज़ सेम रहेगी, तो हमारा स्टार्टिंग का जो रिपेयर कंटिन्यूस था उस टाइम की, राइट, द टोटल क्वांटिटी शुड बी लॉट साइज इनटू माइनस 2 एंड अभी जो पुट का वैल्यू है वो कॉल से वैल्यू से डबल है। सो ये सारी की सारी कंडीशन सेम रहेगी, लेकिन अभी अगर पुट का वैल्यू कॉल के वैल्यू से डबल हो गया एंड अभी एडजस्टमेंट का वैल्यू 2 है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपका सेकंड एडजस्टमेंट हो गया, सो अभी आपको प्रॉफिट वाला जो लेग है उसको एग्जिट करना है एंड जो आपका लॉस वाला लेग था उसके जितना प्रीमियम वाला एक लेग सेल करना है वापस। सो ये आपका हो गया एडजस्टमेंट 2, राइट? एंड ये आपका था एडीजे 1। सो वो फिर वो दोनों लूपिंग में चलते ही रहेंगे। सो अगर फर्स्ट एडजस्टमेंट है तो आपने जो लॉस वाला लेग है वो एग्जिट किया, सेकंड एडजस्टमेंट हुआ उस टाइम पर आपने प्रॉफिट वाला लेग एग्जिट किया, वापस जो थर्ड एडजस्टमेंट है उस टाइम में वापस आपको लॉस वाला, फोर्थ में वापस प्रॉफिट वाला लेग बुक करना है, फिफ्थ सिक्स, सो बेसिकली ऑड नंबर जब भी है तब आपको जो लॉस वाला लेग है उसको एग्जिट करते जाना है, एंड इवन नंबर जब भी है, राइट, तो आपको प्रॉफिट वाला जो भी लेग है उसको एग्जिट करते जाना है। ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक कि आपका यूनिवर्सल एग्जिट टाइम नहीं आता या फिर आपका SL या टारगेट नहीं आता, राइट? सो अभी एडजस्टमेंट 2 है एंड आपका अभी पुट का LTP कॉल से डबल हो गया, सो यहां पर आपको प्रॉफिट कहां पे मिल रहा होगा, कॉल के साइड पे, राइट? सो अभी आपको कॉल को एग्जिट करना है बिकॉज ये आपका प्रॉफिटेबल लेग है। सो आप यहां पर भी देख सकते हो मैंने यहां पर कॉल बाय कर लिया, राइट? कौन सा वाला कॉल मैंने बाय किया, CES यानी कि जो भी कॉल की स्ट्राइक अभी चल रही है रनिंग में वो मैंने बाय कर लिया। जैसे ही मैं बाय करता हूं मैं फिर एडजस्टमेंट का जो वैल्यू है उसको नंबर 1 बना देता हूं, राइट? तो अभी अगर नेक्स्ट एडजस्टमेंट वो करेगा वो वापस लॉस वाला जो भी लेग होगा उसको एग्जिट करेगा, राइट? सेम यही सेम चीज जो सिक्स रिपेयर कंटिन्यूस है हमारा उसके अंदर हमने वही यूज किया है कि आपका जो टोटल क्वांटिटी है वो लॉट साइज इंटू माइनस 2 यानी कि 1x मल्टीप्लायर पे माइनस 30 अभी रनिंग होना चाहिए क्वांटिटी, एडजस्टमेंट का वैल्यू अगर 2 है एंड अगर कॉल का प्राइस पुट के प्राइस से डबल हो गया तो अभी पुट वाला हमारा प्रॉफिट मेकिंग लेग होगा एंड हम आपको पुट को एग्जिट करना है बेसिकली, राइट? जैसे ही आप पुट को एग्जिट करते हो, एग्जिट करते टाइम आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सारे के सारे जो बॉक्स है वो फिलअप कर देना है एंड आपको कौन सी स्ट्राइक एग्जिट करनी है, जो PES वाली जो स्ट्राइक थी, पुट की जो स्ट्राइक थी वो आपको एग्जिट कर देनी है, राइट? एंड जैसे ही आप एग्जिट कर देते हो आप वापस एडजस्टमेंट का वैल्यू नंबर 1 बना देते हो ताकि ये एडजस्टमेंट होने के बाद अगर उसके बाद वाला जो भी एडजस्टमेंट होगा उस टाइम पे एडजस्टमेंट का वैल्यू 1 होगा तो वापस लॉस वाला जो भी लेग होगा उसको एग्जिट करेगा, राइट? तो यहां पर हमने सपोज फर्स्ट एडजस्टमेंट होने के बाद आपने नया एक सेल कर लिया, सो अभी आपका PE एंड PES का वैल्यू ये हो गया एंड जो CE एंड C तो CES था वो यही था, राइट? अभी सेकंड एडजस्टमेंट की बारी है, इवन नंबर की बारी है। अभी सपोज ये वाला जो कॉल था इसका प्राइस हो गया 150 एंड ये जो पुट था उसका प्राइस अभी 75 ही रह गया, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, राइट? सो अभी आप क्या करोगे, अभी ये पुट को सेल कर दोगे यानी कि उसको एग्जिट करोगे बिकॉज अभी आपका एडजस्टमेंट का वैल्यू क्या है, नंबर 2, राइट? अभी राइट नाउ एंड आप वापस 150 वाला एक सी कॉल सेल कर दोगे एंड जैसे ही आप ये पुट को बाय बैक करोगे आपका एडजस्टमेंट का वैल्यू वापस 1 हो जाएगा एंड अभी आपका 150 यहाँ पर पी आएगा, सो 150 वाला कॉल एंड 150 वाला पुट दोनों ट्रेड में है अभी एंड इसके बाद का नेक्स्ट जो भी एडजस्टमेंट होगा, सपोज इसका प्राइस हो गया 200, इसका प्राइस हो गया 100, राइट? एंड
उसके बाद वापस ट्रेट्रॉन क्या देखेगा कि अभी क्या है एडजस्टमेंट, यानी कि एडीजे का वैल्यू नंबर वन है, सो वो वापस लॉस वाला जो लेके इसको एग्जिट करेगा, यानी कि इसको एग्जिट कर देगा कॉल को, राइट, ये पुट आपका अभी ऐसे ही है एज इट इज, एंड वो 100 रुपीज वाला वापस एक पुट सेल कर देगा, सॉरी कॉल सेल करेगा, वापस इसको स्ट्रैंगल बना दिया, एंड अभी एडजस्टमेंट का वैल्यू हो गया 2, एडीजे का वैल्यू हो गया 2, राइट। भी वापस सपोज सेम कंडीशन अगर 150 होता है, इसका 75 हो जाता है, राइट, सो अभी ये प्रॉफिट वाला लेग है, एंड एडजस्टमेंट 2 में आपको क्या करना है, प्रॉफिट वाला लेग को एग्जिट करना है, सो अभी वापस वो 150 वाला पुट सेल करेगा एंड 75 वाला को एग्जिट कर देगा, जैसे ही वो 75 वाले को एग्जिट करेगा आपके एडजस्टमेंट का वैल्यू हो जाएगा वापस 1। सो इस तरीके से आप क्या करते जाओगे, 1 टाइम पे आप लॉस वाले लेग को एग्जिट कर रहे हो, जो ऑड नंबर वाले है, जो भी ऑड नंबर है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, सेवंथ हो गया, अब जो भी लॉस मेकिंग लेग है उसको एग्जिट करोगे, राइट। एंड जब भी आपका सेकंड है, फोर्थ एग्जिट, सिक्स्थ, एइघ्थ एडजस्टमेंट है, उस टाइम पे आप प्रॉफिट वाला जो लेग है उसको एग्जिट करोगे, एंड आप दोनों के उसी टाइम पे एग्जिट के बाद प्रीमियम जो भी दूसरे लेग का चल रहा होगा वो प्रीमियम मैच करते जाओगे, राइट। अभी आप इसका रिवर्स भी अगर कोड करना चाहते हो तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, कोड के अंदर आपको फर्स्ट जो आपने एंट्री टाइम पे यहां पर एडजस्टमेंट का वैल्यू 1 दिया था, अभी कोई ऐसा सोच रहा है कि मुझे फर्स्ट टाइम पे लॉस वाला लेग नहीं एग्जिट करना, मुझे फर्स्ट टाइम पे प्रॉफिट बुक कर लेना है फर्स्ट एडजस्टमेंट पे, सो आप बेसिकली यहां पर 2 यूज कर लो, राइट। सो आपका जो फर्स्ट एडजस्टमेंट होगा वो क्या करेगा, जो आपका प्रॉफिट वाला लेग है उसको एग्जिट करेगा, एंड जो ऑड नंबर वाले जो भी आपका एडजस्टमेंट हो गए, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, वो आपका प्रॉफिट वाला जो भी लेग है उसको एग्जिट करता जाएगा, एंड जो इवन नंबर वाला जो भी होगा सेकंड फोर्थ, वो आपका जो लॉस मेकिंग लेग है उसको एग्जिट करता जाएगा। सो बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पे नंबर को 1 में से 2 कर देना है, अगर आप इसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन बनाना चाहते हो तो, राइट। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये है, मैंने अपने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें भी बताया था कि यहाँ पर एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज हम लोग एक एलटीपी एक ऑप्शन को दूसरे से डबल आप देख रहे हो, तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इसका 2 और वर्जन मैं बनाऊंगा कि जहाँ पर 3x या 4x होता है दूसरे ऑप्शन से एक ऑप्शन, तब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, राइट, ताकि आपका जो नंबर ऑफ एडजस्टमेंट है वो काफ़ी कम हो जाए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि डबल तो ईजिली हो जाता है, अगर आपने इसका शेड कोड भी देखा है यहाँ पर, ओके, ये हमने नाम चेंज कर दिया, यहाँ पर आ गया, सो इसका शेड कोड भी हमने देखा है, तो आप देख सकते हो कितना एडजस्टमेंट करते हैं वो, सो नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं अभी की जो स्ट्रेटजी है उसमें। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये अगर एक ही दिन में 2 या 3 इंडेक्स की एक्सपायरी है तो वो सभी में ट्रेड करेगा, सो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। सो मैं इसका जो दूसरा, अभी ये तो क्या है मेंबर की रिक्वेस्ट है, तो मैं सेम उसी तरीके से स्ट्रेटजी बनाया हूँ, लेकिन मैं इसका दूसरा या तीसरा 2 वर्जन और मैं बनाने वाला हूँ टेस्टिंग के लिए, और आपको मैं वो कोड भी दे दूंगा, राइट, लिंक एंड कोड दोनों, कि जहाँ पर हम लोग ऑप्शन डबल होते टाइम नहीं लेकिन 3 गुना या 4 गुना होता है तब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। सो यहाँ पर बेसिकली आपको 3 और 4 यूज़ करना है, अगर आप चाहते हो कि 4 गुना होता है दूसरा ऑप्शन तब मुझे एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आप 4 यूज़ कीजिए, अगर आप चाहते हो कि 3 गुना होता है तो आप यहाँ पर 3 यूज़ कीजिए, राइट। सो इस तरीके से 2 वर्जन में बनाने वाला हूँ नंबर ऑफ ट्रेड्स कम करने के लिए। एंड दूसरा, इन्होंने मुझे एक वर्जन 2 भी बोला था, उसकी भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो गया है, सो अभी आई होप इसको हमें अभी ख़त्म कर देना चाहिए, एंड दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाद में। दूसरा, आप यहाँ पर PNL भी कोई भी डाल दो आप अपने हिसाब से, अगर आपको स्टॉप लॉस या टारगेट रखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस डाल ही दूँ, बिकॉज काफ़ी लोग इसका लिंक भी यूज़ कर रहे हैं, एंड अगर हम लोग देखें तो कल इसका जो मैक्स लॉस था वो -12,000 तक चला गया था, एंड मैक्स प्रॉफिट उसका क्या था कल, मियरली 700 रुपीज़, एंड ये 2x मल्टीप्लायर पे चल रहा है, तो ये जिस दिन वर्क नहीं करता उस दिन अच्छे से लॉस भी देता है। आपने ऑलरेडी इसके काउंटर भी देखे होंगे, राइट, ऑलरेडी 9 काउंटर्स हो गए हैं, लेकिन ओवरऑल ये लॉस में है, वो भी लाइव ऑफलाइन है, तो आप सोच सकते हो कि लाइव ऑटो में स्लिपेजेस ज़्यादा होंगे, सो आपका लॉस इससे ज़्यादा होने के चांसेस है। सो इसको मैं क्या करूँगा कि कोई एक ऐसे यहाँ पर डाल दूंगा, राइट, बिकॉज हमने 1.5 लाख पर इंडेक्स इसके अंदर कैपिटल रखा है, सो मैं अभी चेंज कर देता हूँ इसको, ओके, ये तो हमारा बैंक निफ्टी वाला कोड है, राइट, सो इसके अंदर नहीं, लेकिन मैं इसका जो कोड है ऑल इंडेक्स वाला उसके अंदर मैं चेंज कर दूंगा, राइट। सो कल से क्या होगा कि एक फिक्स स्टॉप लॉस कुछ रहेगा इसके अंदर, जैसे ही वो हिट होता है वो एग्जिट हो जाएगा स्ट्रेटेजी में से, ताकि इतना बड़ा बड़ा लॉस आपको देखने की जरूरत ना पड़े, बिकॉज प्रॉफिट इसके अंदर काफ़ी कम हो रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको सारा का सारा जो स्ट्रेटेजी है वो समझ में आ गया है, एंड आगे से आप इस तरह की कोई भी स्ट्रेटजी बना सकोगे इजीली, ऐसा मैं होप करता हूँ।
सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।